नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। और आज हमारे घर की दूसरी कार है एलीट आई 20, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आज हम लोग जा रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए, क्योंकि इस कार की अब लगभग 5 साल होने वाली है। 20 दिन के बाद जो है इसकी 5 साल हो जाएगी, और अभी जीरो डेप्थ हम लोगों ने ले रखी है। और आप लोगों को भी पता है कि 5 साल के बाद आपको जीरो डेप्थ नहीं मिलती है, जिस कारण अभी जो है हमारी कार की आगे बम्पर जो है उसमें स्क्रैच वगैरह आ गए हैं और लॉक भी टूटी हुई है। तो ये इंश्योरेंस क्लेम जो है वो हम लोग ले लेंगे, और इसीलिए ले रहे हैं कि अगर अभी नहीं लेते हैं तो नेक्स्ट बार जो हम लोग करवाएंगे इंश्योरेंस, तो वहाँ पे हम लोगों को जीरो डेप्थ नहीं मिलेगी और उसमें हम लोगों को अच्छी खासी पैसे जो है वो इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। हालांकि अभी अगर हम लोग इंश्योरेंस कवर लेते हैं या इंश्योरेंस क्लेम हम लोग लेते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को नो क्लेम बोनस जो है वो नहीं मिलेगी, लेकिन उसमें ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि नो क्लेम बोनस 1000-2000 के आसपास ही जाती है। लेकिन अगर हम बम्पर चेंज करवाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा 6-7 हज़ार या 10 हज़ार भी हम लोगों का जो है इन्वेस्ट हो सकता है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि बम्पर में क्या दिक्कत है, कहाँ पे स्क्रैच है। और बाकी ये कार जो है मेरे अंकल जो है वो ज़्यादा चलाते हैं, क्योंकि मैं टिगोर चलाता हूँ, तो इनसे भी अभी जानेंगे कि और क्या क्या दिक्कत है कार में, क्योंकि इसकी सर्विस जो है वो भी अभी करवानी है। एनुअल सर्विस जो है वो करवानी है। अच्छा, वैसे 5 साल में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा कोई इशू है नहीं। एक बार जो है ना बम्पर वहाँ चले छाया में, हाँ है ना, वैसे अगर देखें तो 5 सालों में बहुत ज़्यादा कोई मेजर इशू कार में तो आया नहीं है। 18 मई 2018 को ये कार ली गई थी, तब से काफ़ी स्मूथली कार चल रही है। अभी जैसे रेगुलर वाइज हम लोग ख़राब रास्तों में चलते हैं तो राइट साइड का जो फ्रंट का सस्पेंशन है वहाँ से घट घट की आवाज़ आ रही है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि इसकी आवाज़ जो आने की वजह है वो जो रबर पार्ट्स लगे होते हैं सस्पेंशन में तो वो ओवर द टाइम सूखते हैं, तो उसकी वजह से शायद आ रही होगी। तो वो भी दिखवा लेंगे, और साथ ही साथ जो एनुअल सर्विस है वो भी हो जाएगी और इंश्योरेंस क्लेम ले लेंगे। जैसे कि प्रकाश ने आप लोगों को बताया कि जो इंश्योरेंस का हमारा जो मजबूरी है कि नए इंश्योरेंस में जीरो डेप्थ मिलेगी नहीं, तो इसी में हम लोग क्लेम ले लेते हैं। और चलिए एक बार आपको बाहर में दिखा देते हैं कि जो हमारा बम्पर है वो किस तरह का हो गया है। एक्सटीरियर वाइज भी कोई भी डैमेज कार में नहीं है, कलर वाइज भी आप देख सकते हैं कि कलर भी 5 साल के बाद भी टनाटन है, और कार हमेशा लगभग लगभग सालों भर आप मान के चलिए कि बाहर धूप में ही खड़ी रहती है। यहाँ तक कि जो बॉडी कवर होता है वो भी नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली देख सकते हैं ये जो हमारा बम्पर है वो बाहर आ गया है, फेंडर के साथ में जो लॉक होता है वो टूट गया है, और नीचे से बहुत ज़्यादा स्क्रैच है, इधर में भी स्क्रैच वगैरह है और इस साइड में भी है, ये देखिए। तो सोच रहे हैं कि इंश्योरेंस क्लेम ले करके और इसको चेंज ही करा दिया जाए, और 20 दिन के बाद जो है ना नया इंश्योरेंस फिर से लेना पड़ेगा, और उस समय जो है हमें जीरो डेप्थ की पॉलिसी नहीं मिल पाएगी। बात बाकी एक बार आपको पूरा कार ही दिखा देते हैं, देखिए कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा फिट एंड वेल है, इंटीरियर से किसी तरह का कोई आवाज़ नहीं, प्लास्टिक के पार्ट्स बहुत ही बढ़िया अभी वर्क कर रहे हैं। अगर आप सेकेंड हैंड के तौर पर अगर एलीट आई 20 आपको कहीं मिलती है पेट्रोल वाली तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इसकी जो रिलायबिलिटी है ना बहुत ही बढ़िया है, चाहे आप इंटीरियर से लीजिए चाहे एक्सटीरियर से लीजिए, कलर वाइज पेंट वाइज किसी तरह की कोई दिक्कत आती नहीं है। अभी 2 दिन पहले एक समस्या आई थी इसमें, छोटी सी समस्या क्या आई थी मैं आप लोग को बताता हूँ कि मैं कल गया हुआ था रामगढ़, तो वहाँ से लौटते वक्त अचानक से मेरी कार में जो है ना इंजन चेक लाइट की वार्निंग आई थी, वो 2-3 सेकेंड के लिए आई थी फिर ऑटोमेटिक वो चली गई। मुझे लगता है कि शायद लूज कनेक्शन वगैरह या जो भी रीज़न रहा हो आई होगी। अभी फ़िलहाल में कार में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो सर्विस भी हो जाएगी, एनुअल सर्विस वो भी चेक हो जाएगा और सस्पेंशन भी चेक करवा लेंगे, साथ ही साथ जो है इंश्योरेंस क्लेम भी ले लेंगे। चलिए शोरूम में पहुँचते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं क्या होता है और वहाँ इंश्योरेंस क्लेम का प्रोसेस कितना स्मूथली होता है वो भी आप लोग को पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग को अभी पहुँचने में सर्विस सेंटर पहुँचने में लगभग आधे घंटे का समय है, और इस बीच में हम लोग कुछ जानकारियां ले लेते हैं अंकल से, क्योंकि इस कार की सारी रख रखाव जो है यही करते हैं। तो सबसे पहले एलीट आई 20 बंद हो चुकी है,
तो इस कार को सेकेंड हैंड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इसमें एनुअल सर्विस चार्ज जो है वो क्या आती है, और अगर कभी बाहर से करवाए होंगे तो वहाँ पे कितने प्राइस की डिफरेंस आती है, तो आपका क्या कहना है? देखिए एलीट i20 अगर प्रीमियम हैचबैक टर्म में यूज होती है ना, तो रियली में ये प्रीमियम हैचबैक कार है, और वो आपको फील भी कराएगी। आप एक बार दिखा दीजिए पूरा इंटीरियर, एकदम से सिंपल एंड सोबर है, कभी ना बोर करने वाली इंटीरियर आपको इसमें मिलती है, और प्लास्टिक की क्वालिटी हार्ड है, लेकिन आपको कहीं पैनल गैप्स नहीं मिलेंगे, कहीं अनइवन जो है सरफेस आपको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है ना कि कंपनी ने काफ़ी रिसर्च करके इसकी इंटीरियर का डिज़ाइन बनाया था, जो आज तक 5 सालों तक, जब से मैं इस कार को लिया हुआ है 5 साल होने को चले हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है। रही बात मेंटेनेंस कॉस्ट की, तो 5 सालों से मैं ऑथोराइज सर्विस सेंटर में ही इसका सर्विस करवा रहा हूँ, मैं बाहर कभी भी सर्विस नहीं करवाया है, तो मुझे उतना आइडिया बाहर का नहीं है। जो पेड सर्विस होती है जिसमें लेबर चार्ज वगैरह आ जाती है, लेबर चार्ज वगैरह ऐड करके इसमें जो ऑन एन एवरेज कॉस्ट है वो 6,000 से 7,000 रुपये तक की आ जाती है, जो कि मेरे हिसाब से टाटा की गाड़ियों में जो सर्विस कॉस्ट आती है, जैसे हमारे घर में टिगोर है तो उसकी ही मैं अगर तुलना करता हूँ, तो 2,000 से 2,500 रुपये सर्विस कॉस्ट इसमें महंगी पड़ती है, इस बात को मैं मानता हूँ। पर क्या है कि सर्विस जो है आपको Hyundai की अच्छी मिल जाती है, माइलेज वगैरह जो है इस कार की जो है वो 17-18 बहुत इजीली मिल जाए कि Elite i20 माइलेज नहीं देती है, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी माइलेज उतनी बुरी नहीं है। कार चलाने पर भी आप पर डिपेंड करता है कि आपकी कार जो है कितनी माइलेज देती है, जैसे अभी आप देख सकते हैं अपने गांव से होकर के हम लोग आ रहे हैं और 16.1 KMPL की माइलेज जो है ये शो कर रही है। गांव में इस तरह से बार बार क्लच ब्रेक करने के बावजूद भी ये 16 की माइलेज दे रही है, तो मेरे हिसाब से अच्छा। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको कहना चाहूँगा कि इन 5 सालों में कोई बड़ी इशू आई है क्या इस कार में, जैसे कि कोई बड़ा पार्ट्स खराब हो गया हो, या फिर बड़ी कोई इशू, या फिर कभी कुछ अचानक से कुछ अलग वार्निंग वगैरह कुछ आई हुई है क्या? कोई मेजर इशू नहीं आया है, मैं एक एक करके बताता हूँ। 2-3 बार जो है मुझे इस कार में दिक्कत आई है। सबसे पहले एक बार जो है इंजन चेक लाइट की वार्निंग आई थी, आज से 2 साल पहले जब मैं देवघर गोड्डा जा रहा था, थोड़ा सा 350-400 किलोमीटर की जर्नी है, तो 200-250 किलोमीटर में चला था और ये वार्निंग लाइट्स यहाँ पर ऑन हो गई थी। अच्छा। तो फिर मैंने सर्विस में इसको ले गया, तो उसके बाद से ठीक है और आज तक फिर कोई दिक्कत नहीं आई है। और कल जैसे अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि 2-3 सेकंड के लिए फिर से इंजन की जो वार्निंग लाइट है वो आई थी, एक वो इशू, और वैसा मेजर इशू तो आज तक कुछ नहीं है। एक बार इसका ब्रेक पैड, आगे वाले डिस्क पैड जो होते हैं वो चेंज हुए हैं, पीछे वाले आज तक चेंज नहीं हुए हैं, और राइट साइड से थोड़ा सा सस्पेंशन में आवाज़ आ रहा है, घट घट करके आवाज़ आ रहा है, और जैसे कि मैंने बताया कि जहाँ तक मुझे लगता है कि जो रबर पार्ट्स हैं, जो पूस वगैरह होते हैं, वो ओवर द टाइम सूखते हैं, तो शायद उसकी वजह से आ रहे होंगे। बात तो ऐसा कोई आज तक मेजर इशू कुछ। चलिए अच्छा, एक चीज और बता दीजिए कि इस कार को फाइनल कंक्लूजन के साथ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए सेकेंड हैंड, देखिए ये कार तो अभी बंद हो गई है, अगर आपको ये कार कहीं मिलती है तो सेकेंड हैंड कार मार्केट में ही मिलेगी, चूंकि एक जमाने में ये काफी डिमांड में चलती थी और काफ़ी संख्या में बिकती थी, तो वो गाड़ियाँ अगर देखा जाए तो समाज में या सोसाइटी में तो मौजूद ही है। चाह रहा है और सेकेंड हैंड आप खरीदना चाह रहे हैं तो आप देख लीजिए कि जो फर्स्ट ओनर है उस कार को किस तरह से मेंटेन करके रखे हुए हैं, उसकी सारी जो सर्विस हिस्ट्री है वो पता कर लीजिए कि किस तरह की सर्विस उसकी हो रखी है, किस तरह की कार की कंडीशन है, सब कुछ ठीक ठाक अगर है तो डेफिनेटली इस कार को लिया जा सकता है। चलिए अब पहुंचने ही वाले हैं सर्विस सेंटर, वहां पे पहुंच के फिर आपको वहां का एक्सपीरियंस जो है वो दिखाते हैं। यहां देखिए हम लोग सर्विस सेंटर जो है वो आ चुके हैं, और यहां पे आप देख सकते हैं वत्सल Hyundai सर्विस सेंटर, यहां पे आप देखिए NH33 मुर्राम कला टायर मोड रामगढ़ कैंट झारखंड, पिन कोड नंबर सारा चीज़ यहाँ पे है,
और अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इसकी शोरूम जो है वो बंद हो चुकी है और सर्विस सेंटर भी अब बंद कर दिया गया है। यहाँ पे आप देखिए एक भी गाड़ियाँ अंदर नहीं है। यहाँ पे एक स्टाफ हैं, उनको बुलाकर पूछा गया तो बोले कि अब जो है यहाँ की सर्विस सेंटर जो है वो बंद हो गई है, तो अब हम लोग कहाँ से सर्विस कराएं। और जो आप लोगों को मैंने दिखाया था यहाँ पे, आप देख लीजिए सारी क्रेटा वगैरह की फ़ोटो वगैरह इधर लगी हुई है, और ये इनका कहना है कि शोरूम बंद हो गया है तो अब सर्विस सेंटर भी यहाँ पे बंद हो गया। अब हम लोगों को कहाँ जाना होगा, क्या करना होगा, क्योंकि रामगढ़ में इकलौती यही सर्विस सेंटर और शोरूम थे। अब हम लोगों की का क्या हाल होगा अब बता ही नहीं सकते। यहाँ पे आप देखिए जो बम्पर की काम करवानी थी वो अब कहाँ से होगी। अब हम लोगों को या हजारीबाग या रांची जाना होगा, जो कि हमारे घर से बहुत ही ज़्यादा दूर है और लगभग 150 किलोमीटर के आसपास दूरी है। तो अभी थोड़े से रिलैक्स के मूड में हैं, क्योंकि हुंडई की सर्विस सेंटर जो है आप लोगों ने देखा कि वहाँ पे बंद हो चुकी है, तो महिंद्रा के फर्स्ट चॉइस जो है वहाँ पर हम लोग गाड़ी लेकर के आ गए हैं। और ज़्यादा काम नहीं था, बम्पर सिर्फ हम लोगों को चेंज करवाना था और उसी के लिए इंश्योरेंस क्लेम देना था, इसीलिए हम लोगों ने वहाँ ही कार अभी दे दी। बाद में कभी जाएंगे तो सर्विस वगैरह जो है बाहर करवा लेंगे, रांची या हजारीबाग में, लेकिन वो अभी ज़रूरी था तो उसको करवा लिए हैं। और मेन हम लोग के पास समय नहीं था, हाँ, कि जो हमारा इंश्योरेंस है एक्सपायर होने से पहले क्लेम ले लेना है, तो हम लोग के पास ऑप्शन था नहीं। अभी हाल फिलहाल में रांची या हजारीबाग जाने का कोई प्लान है नहीं, तो महिंद्रा चॉइस फर्स्ट चॉइस है ना, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस है। वहाँ पर गए तो वो बोले कि आपका जो है क्लेम में बम्पर रिप्लेस कर देते हैं और बाद में सर्विस आप करा लीजिएगा, तो हम लोग भी सोचे कि चलो जब आए हैं तो निराश होकर वापस जाना की बात नहीं है, तो महिंद्रा फर्स्ट चॉइस में दे दिए हैं, सारा क्लेम भी पास हो गया, वो भी कैशलेस तरीके से, तो ये चेंज हो जाएगा दो चार दिन में, फिर इसके बाद आपको वीडियो भी मिल जाएगा। तो ये चीज़ है हम लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है कि अब हुंडई की गाड़ियाँ जो हैं खास करके रामगढ़ के अंदर में लेना बेवकूफ़ी ही है जब तक सर्विस सेंटर यहाँ पे ओपन नहीं हो जाता। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।